अलबत्ता एफआईआर पे जो 3 नाम हैं उनके बारे में पता चल गया। क्या पता चला है? ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जमान फाउंडेशन। क्या? महा हसन जमान फाउंडेशन की एमडी है और नौरीन तारिक डायरेक्टर एचआर। आमिर जमान को तो हम जानते ही हैं, जमान ग्रुप का सीईओ, जो 4 दिन पहले मीडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि नजमा निसा की न्यूज आउट न की जाए। लेकिन इन तीनों का सनम यूसुफ से क्या ताल्लुक? इन तीनों के खिलाफ क्यों कटी थी एफआईआर? पता नहीं, ये बात तो उसकी बहन ही बता सकती है। मुझे रामीन से मिलना होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे मिलने की इजाजत मिलेगी। जेल में सिर्फ इमीडिएट रिलेटिव्स ही मिलने जा सकते हैं। तो हम उसके किसी रिश्तेदार को ढूंढते हैं, शायद वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब नैना, तुम मुझे बता सकती हो कि रामीन कहाँ रहती थी, मतलब उसके घर वाले कौन है? एनी आइडिया? उनके घर वालों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनका एक कजन है जिसका नंबर है मेरे पास। वो प्लॉट की लीज करवाने में उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? आप रामीन को कैसे जानती? मैं रामीन को नहीं जानती, बस उससे एक दफा जेल में मुलाकात हुई थी, वो भी सानिया जी ने करवाई थी। फरहान साहब, मेरे लिए रामीन की कहानी जानना बहुत जरूरी है। आप उसके बारे में जो कुछ जानते हैं मुझे प्लीज बताएं। आप रामीन की कहानी क्यों जानना चाहते हैं? मैं एक केस पे काम कर रही हूँ जिसके ताने बाने रामीन की कहानी से जुड़े हैं। कैसा केस? आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, पर मिस सदफ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको सब सच बता दूं, तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मुझे भी सब सच बताना होगा। मैं और रामीन पहले भी काफी लोगों से धोखा खा चुके हैं, अब और धोखा खाने का हौसला नहीं हम। आई अंडरस्टैंड। ये सब आपके पास कैसे? कैसे आए, किसने भेजे, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि कोई तो है जो सच जानता है, और अब वो चाहता है कि ये सच मेरे सामने भी आए। कौन है वो? पता नहीं, वो कौन है मैं नहीं जानती। मेरे पास सिर्फ एक ही लीड है और वो है सनम यूसुफ की खुदकुशी। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। क्या हुआ? मिस सदफ, सनम ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका कत्ल किया गया था। पसे दीवार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।